सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अपाचे गाय। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक न्यूली लॉन्च बाइक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि अभी एज ए प्रोडक्शन तो रिलीज़ हो गई है, बट मार्केट में अभी रिलीज़ नहीं हुई है। जो कि कब होगी, उसका प्राइस रेंज क्या होने वाला है, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उसके इंजन स्पेसिफिकेशन क्या हैं, उस बाइक के फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें पावर कितनी है, क्या वो बाइक लेना वर्थ है आपके लिए या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज, इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं गाइज, तो आप जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिस कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, मैं बात कर रहा हूँ एप्रिलिया RS457 के बारे में। तो गाइज, ये बाइक जो है 457 सीसी के पैरेलल ट्विन इंजन के साथ आती है, जो कि लिक्विड कूल इंजन है। साथ ही साथ इसके पावर फिगर्स की बात की जाए तो यह 48 PS का पावर प्रोवाइड कर देगी, और टॉर्क का जो इसका अभी वैल्यूज है वो क्लियर नहीं है गाइस, बट अगर मैं आपको एक अंदाजा लगाऊं तो आपको ये 27-30 न्यूटन मीटर के आसपास का आपको ये टॉर्क प्रोवाइड कर देगी। बात की जाए अगर ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में डिस्क और रियर में डिस्क की आपको इसमें फीचर देखने के लिए मिल जाता है। बात की जाए अगर टैंक कैपेसिटी की गाइस, तो इसमें आपको 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी, जो आपको ईजिली माइलेज प्रोवाइड कर देगी 25-30 KMPL का। बात की जाए अगर फीचर्स की, तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाता है, आपको इसमें राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिलते हैं, आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ आपको इसमें क्विक शिफ्टर का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है गाइस। बात की जाए अगर इसके डिस्प्ले के कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको नेविगेशन देखने के लिए मिल जाता है, आपको इसमें फुल्ली डिजिटल क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। बात की जाए अगर लाइटिंग की, तो बाइक में आपको ऑल LED सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। अब आता है सबसे मेन पॉइंट की बाइक की प्राइसिंग क्या है। तो गाइस, इस बाइक की जो प्राइसिंग होने वाली है वो होने वाली है 4,25,000 एक्स शोरूम। बात की जाए अगर लॉन्चिंग की, तो ये बाइक जो है दिसंबर 2023 तक आपको जो है मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी गाइस। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ये बाइक आपको लेना वर्थ है या नहीं है, तो गाइस मैं आपको बताऊं कि इसके पावर फिगर्स जो है वो मुझे कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि 48 PS का पावर, वो भी 450 CC इंजन में, मतलब बहुत कम लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू और बाइक्स। और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 4,25,000 रुपीज़। इस प्राइस रेंज में गाइज आपको काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी, विथ बेटर लुक्स एंड बेटर पावर फिगर्स। सो गाइज, अगर आपके पास पैसे हैं खर्च करने को, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन पे जा सकते हैं गाइस, तो आप, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप बेटर ऑप्शन चूज़ करें एज़ कम्पेयर टू एप्रिलिया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये जो बाइक है इस प्राइस रेंज को सेटिस्फाई कर पाएगी, बिकॉज इसकी पावर फिगर्स और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कम लग रही है मुझे। तो गाइज, होप करता हूँ कि आपकी जो ये सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।